चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसको मुजफ्फर अली अब्बासी व सीनियर्स ऑफिसर के हमराह हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस में अदील सिद्दीकी की सरबराही में ताजरों सनतकारों से मुलाकात की और इस मौके पर उनका कहना था कि मसाइल तो बहुत सारे हैं लेकिन हम एक टीम होकर हिम्मत और हौसले के साथ काम करेंगे और इंशाल्लाह सनतकारों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। इस वक्त हेस्को की एरिया नूरियाबाद में विंड कॉरिडोर है जहाँ से हवा से बिजली बन रही है, सोलर एनर्जी सिस्टम है वो भी बिजली फराम करता है और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि सार्फिन के जुमला शिकायत की फौरी हल के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसके लिए DTMC बनाया है और हेस्को लाइट के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन मुतरफ कराई गई है। इस वक्त हेस्को के 72 ग्रेड स्टेशन हैं, 582 11 KV फीडर हैं और 12 लाख सार्फिन हैं जिसमें 82% घरेलू सार्फिन हैं, 16% कमर्शियल सार्फिन है, 2.5% इंडस्ट्रियल सार्फिन है। हेस्को चीफ का मजीद कहना था कि 150 फीडर्स ऐसे हैं जिनकी लंबाई 250 किलोमीटर से ज्यादा है, इन पर हमने काम करना और हमने वायर फिटिंग हंगामी बुनियाद पर 40 अदद ऐसे फीडर BOD से मंजूर करा लिए हैं जिन पर हमने काम करना है, इनकी लंबाई कम करेंगे ताकि फौरी तौर पर फनी खराबी को दूर किया जा सके और बेहतर बिजली की फरामी देने में हम कामयाब हो सकें। आएंगे अब मैंने जो पुराने लोग हैं, मेरे उस्ताद हैं कदीर राजपूत साहब या अकेली साहब, मैंने बड़ी कोशिश की उनके पास जा के पता करने की कि सर इसमें हमारे जो 25 साल पुराना कंडक्टर है वो किस तरह इतला दें इसको, तो उसने कहा जी वो तो इतला ये लेगा ही नहीं आपसे। हाँ वो इसमें क्योंकि उनके पास 20 साल पुराना कंडक्टर होता ही नहीं, लहजा उन्होंने बनाया ही नहीं। तो अब मुझे बताएं कि हम उस कंप्यूटर को कौन बनाएगा जिसको हम ये मैसेज दें कि ये जो ठट्ठा में और साकरों में और पीर फतों में और जनाब आपका इस इलाकों में जो 20 साल पुराना कंडक्टर लगा हुआ है जो अब पाउडर हो गया है कोस्टल बेल्ट की वजह से, तो इसको हम किससे पूछें कि इसके लॉसेस क्या हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उनके पास इस वक्त एशिया में सबसे अच्छा कंप्यूटर है जो कि आपको ये फिगर्स डालने के बाद बता देता है कि इस फीडर को जल्दी से जल्दी आप रिन्यूएट करें, इसका कंडक्टर उतारें, क्योंकि आगे आने वाली ऑडिट जो होती है वो आपसे ये देखती है कि आपको किसने बताया था कि इसके जो है ना कंडक्टर आपने जो 2 करोड़ का कंडक्टर तब्दील किया ये किसके कहने पर किया। तो उन्होंने कहा, आपको जान के हैरानी होगी कि जी 40 दिन लगेंगे एक फीडर को ये बताने में कि इसके खदो खाल क्या हैं। अब मैंने कहा अगर 40 फीडर लगेंगे तो 150 फीडरों पे 10 साल तो ये हो गए हमारे, तो ये कब फीडर ठीक होंगे। तो लिहाजा हमने बोर्ड को मैंने बताया कि जनाब हमारे पास तो यही होगा कि आप मुझे इजाज़त दें कि हम जो है इनको स्ट्रेट अवे आधा आधा कर दें, इनको बाइफर्केट करें, इन शहर के फीडरों को जो एक साथ इन रगों की तरह चल रहे हैं, एक फीडर पे फॉल्ट आता है तो 5 फीडर दूसरे बंद हो जाते हैं।